दर्शक बंधु पुणी थरे पाकिस्तान रे जबरदस्त मात्रा रे एक विस्फोरण को घटे दिया जाइछ एवं यही विस्फोरण इते मात्रा रे शक्तिशाली थिला जहाँ द्वारा एक सिनेटर को समेत चारि जन लोकंकर मृत्यु होइछ एवं संभवतः ए जो आक्रमण करा जाइथिला एही आक्रमण रे वर्तमान पर्यंत क्यों गोष्ठी द्वारा यह आक्रमण करा जाइछ ताहा संभवतः सामना को आसी नाही। जदि आम विगत गोटे वर्षर इतिहास को देखा पाकिस्तान 2023-24 पर्यंत ताहले प्राय प्राय 700 आतंकवादी हमला पाकिस्तान रे देखा मिली। एथिमध्यरु अधिकांश हला बलूचिस्तान प्रांतर रे नचे खाइबर पख्तुनवा अंचल रे, कारण एथिरे लगातार भिन्न भिन्न गोष्ठी मुंड टेकिबा एवं एमानंकर लगातार पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान सेना प्रति आक्रमण कराइबा जो योजना रही थाए एथिपई अनेक गुड़िया स्थान रे विस्फोरण आत्मघाती हमला बम ब्लास्ट आदि इत्यादि देखा मिलता है एवं संभवतः इते योजना करी एमाने एई घटना घटेथांती जहाँ पूर्व सूचना सेना पाखरे भी न थाए। पाकिस्तान रे फेब्रुआरी मासरे निर्वाचन सरला नुआ सरकार आसिले एवं मोटामोटी भावरे लोकंकर आशा थिला कि ए सरकार संभवतः किछि परिवर्तन निश्चित मात्रा रे पाकिस्तान भितरे आनिबे, किंतु लगातार जेबिति भावरे आगुरु प्रचलित सरकारी शासन व्यवस्था भितरे सिंध प्रदेश एवं पंजाब प्रदेश को मान्यता जेमिति आगुरु मिलुथरा एबे मिलुथबारु प्राय प्राय अपहंच इलाका रे बलूचिस्तान हो बा खाइबर पख्तुनवा हो ए दुईटी अंचल रहियैछंती। इमानंकर लगातार अभियोग कि पाकिस्तान सरकार कोनोसी बाटरे एही दुईटी अंचल को प्राधान्य देउनाहंती, सरकारी सुविधारु एहा बहुत दूर रे रहिछि एवं एठारे लगातार मिलिटरी बा पुलिस रो अत्याचार मध्य बढ़िछि। टैक्स दबा बले एमानकोटु असुलत करा जाउछि, किंतु बदल रे सरकारी प्रोत्साहन एही अंचल को मिलु नाही, फल रे दरदाम महंगा तो हेउछि, गरीबी रो मात्रा मध्य लगातार वृद्धि पाउछि। पाकिस्तान रो जदि आमे भौगोलिक सीमा को देखिबा बलूचिस्तान सेही अंचल जे अंचल रे सबुठारु अधिक खनिज पदार्थ माटी तले लुचि रहिछि, तेणु प्राय पाखापाखि 70% मूल्यवान खनिज पदार्थ धरिथिबा एही भूखंड किंतु सरकारी सुविधारु वंचित। केवल एहाकु एक व्यावसायिक पेंठस्थळी रे परिणत करबा पई एठार जो माइनिंग अंचल रहिछि बा खनिज द्रव्य अंचल रहिछि एहाकु व्यवहार करबा पई पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान रो सेना सहायता रे एही अंचल रे कार्य आरंभ करथुवा बळे, किंतु सरकारी स्तर रे एमानकु विशेष सुविधा मिलु नाही। एइति पई पाकिस्तान रु अलगा होइ जिबा पई दीर्घ दिन रो दाबी रहिछि बलूचिस्तान रो एवं एहा न सुनिबारु लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक एक चरमपंथी गोष्ठी जे आज को प्राय लगातार 8-10 हला सरकार एवं सेना को नाकेदम अवस्था को नहीं आतीमध्य आउ एक घटना मध्य देखा मिली। ग्वादर बंदर को जो भाई विकास करने सीपेक अंतर्गत अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अंतर्गत चीन एक रास्ता सीधासलख पाक अधिकृत काश्मीर देई गदर पर्यंत पहुंचिवार योजना करिथिला एवं एही प्रकल्प अंतर्गत आहुरी मध्य हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को जन्म दिया जाइथिला, किंतु सेना को विरोध करिबा एवं चीन को विरोध करिबा उभयर कार्य एका संगरे करथुबा एही अंचलर चरमपंथी गोष्ठी ना तो ग्वादर बंदर को एपर्यंत एक बड़ बंदर रूपे परिणत करिबा पई चीन जो प्रतिष्ठा करिछि एथिरे सफल करैछंती, ना तो चाइना को पाकिस्तान भितरे पशी अन्य कोनोसी कार्य को तदारक करिवार सुजोग देउतन, फळरे चीन रु सबु प्रकार सहाय्य पाउथवा पाकिस्तान एथरे किंतु चापरे पड़ी जायछि। चाइना एमिति लगातार चाप वृद्धि करछि जेउथिरे चाइनार इंजीनियर चाइनार लोक माने पाकिस्तान रे सुरक्षित रहिबे, एथिपई सेना तरफरु एक प्रकार रो आतंकवाद निरोध अभियान को जन्म दिया जायछि एवं जहार नेतृत्व नेउचंती सेना मुख्य असीम मुनि एवं जेतेबेले ए कथा सामना को आछि सेतेबेले हि एई भली गोष्ठी माने एहा को विरोध करबा सह लगातार बम ब्लास्ट करबा आरंभ करिसंती। एई जो सिनेटर को समेत 4 जणकर मृत्यु बम विस्फोरण द्वारा होईछि एहा बजूर अंचल रे रहिछि, खाइबर पख्तुनवा रो एमिति एक अंचल बजूर जहाँ प्राय प्राय तेहरीके तालिबान पाकिस्तान रो कब्जा रे रहिछि। पाकिस्तान
ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମା ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ବଜୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ତାଲିବାନ ଏବଂ ତେହରିକେ ତାଲିବାନର ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆହୁରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେହରିକେ ତାଲିବାନ ନାମକ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଉ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଉ, ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଉ, ଏମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସତର୍କ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଏମାନେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ନା ତେହରିକେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଯାବତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି ଏହା ଟିଟିପି ବା ତେହରିକେ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ରହିଛି ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ଏ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧ ଅଭିଯାନକୁ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ସେନାକୁ ହିଁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଏ ମାମଲା କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ତାହା ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଲଗାତାର 700 ଆକ୍ରମଣ ସେନା ଉପରେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଚାଇନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହିଭଳି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଥମିବାର ନା ନେବାର ନାହିଁ, ଏକଥା ବି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।